देखिए कल जब हम सदन में हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, श्री राम जय राम गा रहे थे, ओंकार का नाद कर रहे थे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री जी को कहा कि इनके लिए रेबीज के इंजेक्शन बुलवा लीजिए, और स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा हाँ मैं बुला लेता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई खत्म तो नहीं हो गया है, उन्होंने कहा हाँ हाँ है, और उसी बात को संसदीय कार्य मंत्री जी ने यहाँ पर आकर कहा कि जानवरों जैसी बात कर रहे थे, तो इस सदन में जो उन्होंने हमारे लिए कहा है, अगर उनके लिए भी उसकी आवश्यकता है, अगर वो भी वही है तो हम उनके साथी हैं, और इस प्रकार की बात करना पूरे सदन का अपमान है, संसदीय परंपराओं का अपमान है। हम तो आसंदी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उसको विलोपित किया है, वो तो सदन की कार्यवाही में ही नहीं आना चाहिए था। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जरूर खड़े होकर खेद व्यक्त किया है, परंतु मुख्यमंत्री जी ने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया है, और ये सदन के सदस्यों की जो अधिकार है उसकी अवमानना है, और इसलिए स्वयं संज्ञान में लेकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, स्वास्थ्य मंत्री जी के खिलाफ और संसदीय कार्य मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार अधिनियम के प्रस्ताव को लाना चाहिए, उनको प्रताड़ित करना चाहिए। साथ में हमारी जानकारी में आया है कि पिछले सत्र के किसी एक मंत्री के प्रश्न को आधार घंटा चलाने के कारण विधानसभा अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा सुनी की है, और उससे विधानसभा अध्यक्ष जी नाराज होकर कल से वो प्रश्नकाल में भी अपनी सीट पर नहीं आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि संसदीय इतिहास में इससे बड़ा कोई संसदीय परंपराओं का अपमान, उल्लंघन, लोकतंत्र की हत्या और कोई दूसरी नहीं हो सकती, और इसके ऊपर में निश्चित रूप से पूरे सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिए, पूरे सदन को गंभीरता के साथ में चिंता करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।